Hi, कैंसर एंड वेलकम टू Floral टे वीडर हाउ यू गाइज आर डूइंग कैंसर थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है ट्रीली मीनस अ लॉर्ड कैंसर मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करो हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस कैंसर कैंसर ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जी हाँ अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं चल रही हैं इशूज़ हैं और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज आप ये वीडियो देख सकते हो कैंसर सो लेट्स गेट स्टार्टेड अपने पर्सन को अपने माइंड एंड हार्ट में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर कर दीजिए एंजल्स हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स लव लाइफ फॉर कैंसर इन द मंथ ऑफ जून 2024 नो कांटेक्ट सिचुएशन ओके लेट्स कट द डेक म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज किंग ऑफ कॉइन्स Current energies of your person is magician. Intention of your person. Wow. Future action of your person to her wants. Your energy. Eight of coins. And future of this whole connection. Page of coins. Hmm. Bottom of the deck, knight of coins. Okay, very interesting. Cancer. Hmm. आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो कैंसर um, या ये पर्सन आपसे प्यार करता है ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर रहा है दो हफ्ते के अंदर अंदर विद इन टू वीक्स ये कॉन्टैक्ट कर रहे हैं एंड या लेट्स गेट स्टार्टर रीडिंग ओके म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू या एक चीज तो ये तो मुझे क्लियर कट ये दिख रही है मुझे इन द म्यूचुअल एनर्जी एनर्जीज की स्टेबल हो इमोशनली स्टेबल हो फाइनेंशियली स्टेबल हो अपने लाइफ लाइफ आपकी अच्छी चल रही है आप दोनों की एक चीज बहुत एविडेंटली दिख रही है करियर में फैमिली लाइफ में पर्सनल लाइफ में बहुत खुश हो और कहीं ना कहीं जो म्यूचुअल एनर्जीज है ना आप दोनों के बीच में आई um, फील आई एम फीलिंग विद द विद किंग ऑफ कॉइन्स एनर्जी कि आप दोनों को किसी बात की कोई जल्दबाजी नहीं है आप लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं कि हमें रिलेशनशिप में भागना है हमें कमिटमेंट चाहिए हमें सब कुछ आज का चाहिए नो आप दोनों के अंदर बहुत पेशेंस है बहुत ज्यादा कामनेस है बहुत काम डाउन हो और कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों आप दोनों पसंद एक दूसरे को बहुत करते हो लाइक करते हो लव उतना नहीं है बट लाइक करते हो एंड म्यूचुअल एनर्जीज में कहीं ना कहीं कही आप दोनों के माइंड में ये चल रहा है कि जितना हम स्लो ले जा सकते हैं इस कनेक्शन को उतना बेटर है। श्योर sure, मतलब sure होना चाहते हो प्रॉपरली कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं और कैंसर आप श्योर sure होना चाहते हो कि क्या मेरा पर्सन ये सही है कि नहीं सो so, एक तरीके की मुझे दिख रही है कि आप दोनों को कोई जल्दबाजी नहीं है यू वॉन्ट टू टेक थिंग्स स्लोली ऑल्सो म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हो बहुत केयर करते हो देर इज अ म्यूचुअल लाइकनेस दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू विच इज गुड एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत करते हो रिस्पेक्ट है बहुत है और कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट मेरे हिसाब से आप लोग पंद्रह सोलह सोलह घंटा घंटे काम करते हो विच आई एम गेटिंग एन एनर्जी आप दोनों चाहे डॉक्टर्स हो सकते हो या आपका पर्सन या आप डॉक्टर हो सकते हो आप दोनों बड़े करियर ओरिएंटेड हो अगर जॉब नहीं करते हो तो पढ़ाई पे आप दोनों का बहुत फोकस है आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हो एक्सट्रीमली करियर ओरिएटेड एनर्जी एंड वट आई एम सींगट कैंसर जैसे आप खुद हो कि आप बहुत आई एम सींगी आप बहुत मेहनती हो आप पढ़ाई में बहुत अच्छे बहुत हो आप बहुत हार्ड वर्किंग हो वैसे ही आपका भी पर्सन है कैंसर बहुत ज्यादा ना आप दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज हैं और वो ही दिख रहा है कि ये काम में बिजी हो गए आप काम में बिजी हो गए जिस वजह से एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया

ये पर्सन आपको ये आपको एकदम एक एंजल एक की तरह समझता है अगर आप गर्ल हो और, और अगर आप बॉय हो कैंसर तो ये आपको एक मजिशियन की तरह समझता है विच मीन्स

करेंट एनर्जी सॉरी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, <coughs> कही कही से ये कहीं ना कहीं अपने लाइफ को थोड़ा सा uh, देना चाहते है ये आपको वैसा पर्सन समझते कि हा कैंसर एक अच्छा व्यक्ति है और कहीं ना कहीं बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है लाइफ करते लव की एनर्जी उतनी नहीं है एक चीज मैं बता देती हूँ क्लियरली Intention. यार intention में कैंसर ये person, दो हफ्ते के अंदर ना कुछ बहुत solid, uh, action expect करना मेरे हिसाब से दो हफ्ते के अंदर अंदर ये पर्सन आपको डेट के लिए पूछने वाला है आने वाले टाइम पे ना ये आपको बहुत गिफ्ट देने वाले हैं ये बहुत पैम्पर करने वाले हैं कैंसर आपको एंड वॉट आई एम इंटेंशन दे रिलेशनशिप अब नाउ आई एम इज दैट दे अ रिलेशनशिप इन लाइफ दे वॉन्ट समथिंग स्टेबल जिसमें बहुत प्यार हो केयर हो बट इन्हें जल्दबाजी नहीं है ऑल्सो देर इंटेंशन में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप ये ना टाइम देने वाले हैं आपको आने वाले फ्यूचर फ्यूचर में ये आपके टूवर्ड्स टाइम देंगे आपसे बात करेंगे आप दोनों के बीच में ना एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बढ़ते हुए दिख रहा है एंड देर इंटेंशन में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं कही सोच रहे हैं कि हाँ मुझे कैंसर के साथ ही रहना है मुझे कैंसर ही चाहिए अपने लाइफ में सो दैट इज वॉट द एनर्जी आई एम राइट नाउ इन इंटेंशन कुछ तो सॉलिड एक्शन आप एक्सपेक्ट uh, करना कैंसर ये आपको बहुत ये जो भी है ना ये आपको ना बहुत टैम्पर करेगा कैंसर बहुत गिफ्ट देगा बहुत केयर करेगा Uh, जब भी मिलेंगे शायद आपको फ्लावर्स देंगे आपको चॉकलेट देंगे lot, और ये इसलिए कर रहे, इसका रीजन भी बता देती आपको आपको हैं टू बी बिकम देअ पार्टनर आप सोच आप समझ रहे हो कैंसॉप वट आई एम ट्राइंग टू से दे लाइक यूर ब्यूटी दे लाइक यू बट थिंग इज दैट मेक एफर्ट्स क्योंकि इन्हें लगता है कि आप उनके लायक हो अब इसमें ये मत समझना कि ये तो सेल्फिश हो रहा है नो no. ये पर्सन आपको अपने लायक समझता है क्योंकि ये खुद बहुत ज्यादा बहुत फाइनेंशियली इनका करियर बहुत अच्छा है पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों बहुत अलाइक हो एक दूसरे के बहुत ज्यादा सिमिलर हो इसलिए आप दोनों की जोड़ी फिट बैठ सकती है ये एक ऑफिस रोमांस भी हो सकता है भाई दो भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है ये फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन आप लोग ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो साथ में हॉलीडे पे जाते हुए देखो नंबर वन नंबर टू इन द फ्यूचर एक्शन ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहा है दो हफ्ते के अंदर कुछ सॉलिड एक्शन एक्सपेक्ट करना नॉट कमिटमेंट नो बट कुछ सॉलिड एक्शन एक्सपेक्ट करना ये आपसे इमोशनली क्लोज आते हुए दिख रहे हैं फॉर श्योर sure. एंड फ्यूचर एक्शन में मेरे हिसाब से जैसे ही आप लोग रिलेशनशिप में आओगे वैसे ही आप दोनों ये फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाएंगे मेरे हिसाब से शायद आप दोनों साथ में कोई प्रॉपर्टी भी इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो ये कहेंगे कि चलो साथ में एक प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं साथ में रहते हैं सो आई एम सींग दिस काइंड ऑफ एनर्जी फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ इन द कमिंग फ्यूचर एक्शन ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इनका शायद प्लान होगा कि ये, जाएं, तो ये चाहते हैं कि आप भी उनके साथ मेक इन देयर लाइफ उसमें आपको इंक्लूड कर रहे हैं ये जो भी है ये पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप ऑफर करते हुए दिख रहे हैं फॉर श्योर एंड मेरे हिसाब से जो भी ये पर्सन है ना ये बहुत लॉयल डेडिकेटेड रहेंगे क्योंकि ये आपकी वर्थ समझते हैं कैंसर ये दिस पर्सन नोज योर वर्थ दिस पर्सन कि आप एवन किसी खेत की मूली नहीं हो आप हो बहुत अच्छे पर्सन पर्सन कैंसर आई एम टेलिंग यू यू दिस इज कमिंग फॉर योर एनर्जी एट ऑफ कॉइन देखो मेरे हिसाब से तो आप अपने करियर में बहुत ज्यादा सुपर डुपर बिजी हो आप पैसे कमाने में लगे हो आपको है कि मुझे काम करना है काम करना है कुछ नहीं करना है फॉर देम यू आई फील कैंसर आई एम सींग इन एट ऑफ कॉइन्स एनर्जी यू लाइक दिस पर्सन आप पसंद करते हो बट कोई डेस्परेट नहीं हो आपको ये नहीं कि हाँ मुझे ये पर्सन चाहिए मुझे इसी के साथ नो यू आर लाइक आर गोइंग विद द फ्लो आप बिल्कुल मस्त हो आर गोइंग विद द फ्लो ये बात करते आप बात कर लेते हो आप बात करते ये बात कर ले एक बात कर लेते हो तो मुझे एक चीज ये दिख रही है कि ये पर्सन आपको ज्यादा पसंद करता है टेलिंग यू कैंसर आप थोड़ा कम पसंद करते हो ये पर्सन ये पर्सन आपको सिक्सटी सेवेंटी परसेंट पसंद करता आप अभी से ट्वेंटी थर्टी परसेंट लेवल पे हो कैंसर में यही बोलूंगे आपको जस्ट गो विद द फ्लो रिलैक्स करो क्योंकि ये पर्सन आपके पास आ रहा है आपको चूज कर रहा है ये एक्शन लेते हुए दिख रहा है आप अपने करियर पे ध्यान दो मस्त रहो जस्ट गो विद द फ्लो दैट्स द एनर्जी और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप

फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज ब्यूटिफुल पता हो ये जो भी है ये पहली तो पहली बार तो न्यू ही कनेक्शन दिख रहा है एनी वे एंड फ्यूचर में आप दोनों बहुत मेमोरीज क्रिएट करते हुए दिख रहे हो आप लोग बहुत टाइम स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ बहुत केयर बहुत प्यार बहुत लव बढ़ते हुए दिख रहा है मेरे हिसाब से आप दोनों एक दूसरे के चाइल्ड को हील करते हुए दिख रहे हो मतलब अगर आप लोग के बीच में इतना इमोशनल कनेक्शन होगा कि ये पर्सन अपने कुछ पास एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे आप अपने पास एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है आप दोनों के बीच में बहुत जेन्युन लव जेन्युन प्यार बढ़ते हुए दिख रहा है एंड फ्यूचर में आप दोनों के बीच में एक एनर्जी बहुत स्पेसिफिकली दिख रही है मुझे बहुत स्पेसिफिक डाउनलोड आ रहा है कि आप लोग की शायद एज बड़ी हो सकती है दिस इज फॉर फ्यू पीपल की आप लोग की एज बड़ी हो सकता है आप लोग शायद मिड थर्टीज में या फोर्टीज में हो गए आप लोग के बीच में कनेक्शन बना है एंड राइट नाउ यू आर इन दिस एज ग्रुप की आप लोग ज्यादा डिले नहीं कर सकते हो बच्चे के लिए तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग जैसे ही रिलेशनशिप में आओगे आप लोग शायद बच्चे की प्लानिंग करना स्टार्ट करोगे एंड फॉर एंड मेरे हिसाब से बच्चे करने के लिए आप लोग शादी करोगे एंड यू विल स्टार्ट प्लानिंग टू हैव किड्स

बेबी प्लानिंग की होने लग जाएगी बच्चे करने की हो जाएगी क्योंकि अगर आप लोग उस एज ग्रुप में मैं उन लोग की बात आई एम गेटिंग अ वेरी स्पेसिफिक डाउनलोड तो फ्यूचर एक्शन में मुझे ये दिख रहा है ऑल्सो इन द कमिंग फ्यूचर आप लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा दिख रहा है इट विल बी फुल ऑफ लव केयर पैशन एवरीथिंग बहुत बैलेंस लोग हो आप लोग कैंसर बहुत अच्छे लोग हो बहुत जेन्युनली प्यार भरा बहुत अच्छा बहुत पॉजिटिव अच्छे लोग हो आप दोनों और मेरे हिसाब से आप दोनों की जोड़ी बहुत हिट बैठेगी कैंसर क्लेम कर दो ये रीडिंग कैंसर एंड अगर कोई भी इश्यू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर बाय बाय